आज हम बनाएंगे लैंडस्केप, ठीक है, इजी लैंडस्केप। कि पेपर में आपके पास टाइम कम होता है तो आप लैंडस्केप कैसे बनाएंगे कि जल्दी भी बन जाए और अच्छा भी लगे, ठीक है। तो सबसे इजी टेक्निक में हम काम करेंगे, स्टेप याद रखना बस। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी शीट पे बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद हमने अपनी शीट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो भी आप प्रैक्टिस करोगे जिस भी लैंडस्केप की, ठीक है, आपको ये पता होगा कि इस लाइन से नीचे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, इस लाइन से ऊपर क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हम एक अपनी ड्राइंग करेंगे। आप स्केल की हेल्प से भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो कि मैंने इस वाले बॉक्स के अंदर अंदर ये दोनों हट बना दिए हैं, तो ये आपको लर्न करने में इजी रहेगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि जो पीछे वाली हट है वो पर्सपेक्टिव में है, छोटी है, ठीक है, तो इसीलिए वो पीछे की तरफ दिखानी ज़रूरी है हमें, ठीक है। इसकी जो बेस लाइन है वो अलग है और जो आगे की तरफ है उसकी बेस लाइन अलग है, ठीक है। तो हमारी हट तैयार हो गई। फिर इसके पीछे से हम एक ट्री बनाएंगे। अब कैसे बनाया मैंने ट्री, ऊपर वाला पोर्शन दिखाया, पहले ही बनाया 1 और 2, 2V बना दिए बस बीच में ऐसे, ठीक। थोड़ी सी सर्कल जैसी शेप देंगे हम ट्री को, ठीक है। अब इसके पीछे हम थोड़ा सा अलग तरह का ट्री बनाएंगे ताकि थोड़ी सी वर्सेटैलिटी हो। यहाँ पर बुशेस दिखाएंगे। अब जो ये ट्री बना रहे हैं हम, ये ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होगा। ज्यादा मोटा कर दोगे तो इसमें पर्सपेक्टिव नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि ज्यादा मोटा नहीं बनाना। ये तो ट्री बहुत इजी होता है, सब बना लेंगे। अब देखो जो हमने बोर्ड बनाई है इसमें लाइन स्ट्रेट डाली है, तुम डालते तो ऐसे डालते नहीं, ये स्ट्रेट डालेगी, डालेंगे हम लाइन। हो गया हमारा कंपोजिशन तैयार। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर इसके ऊपर हम परमानेंट मार्कर से आउटलाइन करेंगे। हम इस पे डायरेक्ट वाटर कलर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी 6th क्लास है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से पार्ट में कौन सा कलर करना है, वरना आप कलर को फैला देंगे। आप बोल्ड भी ले सकते हो, ठीक है, आप पतला मार्कर भी ले सकते हो। तो फटाफट से हम इसकी आउटलाइन बना देंगे। ड्रॉइंग, यस मैम।
हमें इजी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो हमें ये पता चल गया। अब तुम इसको कितनी बार भी बनाओगे ना तो आपको इजी ही लगेगी। ठीक है, तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई।